हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैट टू ऑसम। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है विंटर हेयर केयर। और फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि विंटर्स में हमारे बाल कितने फ्रीजी हो जाते हैं और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी रहती है, तो उसका ही मैं आज एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ। और ये मास्क बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिसमें मैं आपके हेयर्स को फ्रीजीनेस से बचाने का उपाय तो बताऊंगी ही, साथ में एक ऑयल भी बताऊंगी जिसके यूज़ से आपका डैंड्रफ भी इंस्टेंट जाएगा। तो इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एग चाहिए, आपको दही चाहिए, खट्टा दही चाहिए जो एक दो दिन का हो, और एलोवेरा जेल चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंडे को फूल लीजिए, यानी उसका येल्लो और वाइट पार्ट दोनों आपको लेना है। फ्रेंड्स, एग जो है हमारे बालों को, और इसके बाद मैं इसमें कर डालूंगी जो आपके फ्रिजीनेस को हटाएगा। और एग हमारे बालों में एज अ प्रोटीन मास का भी काम करेगा, हमारे हेयर्स को प्रोटीन युक्त एक शाइन देगा। तो आपको बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसका लगाने का डेमो भी दूंगी, क्योंकि आपको देखने से लग रहा होगा कि ये बालों में नहीं रुकेगा, बहुत ही रन करेगा। तो उसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसे आपको लगाना है कि आपके बालों में बिल्कुल भी बहेगा नहीं। और फिर आपको इसमें 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल डालना है। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को एग की स्मेल ना पसंद हो, वो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। और नींबू मैं इसलिए भी डाल रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से हमारे बालों से डैंड्रफ जाए, और सेकंड चीज़ कि उसमें स्मेल भी ना आए कि। और एलोवेरा जेल भी मेरा डालने का खास मकसद यही था कि स्मेल जाए। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉटन लेना है, कॉटन का कपड़ा, या आप रुई भी ले सकते हैं। इसकी हेल्प से आप अगर अपने बालों पे ये मास्क लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं रन करेगा आप, और ये रुका भी रहेगा। और आपको ज़्यादा नहीं, इसे आधे घंटे ही अपने बालों पे रखना है। और उसके बाद माइल्ड शैम्पू, या फिर मेरा जो मैंने आपको होममेड शैम्पू बनाना बताया था, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो जैसे मैं लगा रही हूँ कॉटन की हेल्प से, आपको भी ऐसे ही अपने हेयर्स पे इसे अप्लाई करना है, और पूरा नीचे तक अप्लाई करना है, और आपको इसे आधे घंटे तक रखना है, और फिर इसके बाद शैम्पू कर लेना है। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट प्रोसेस है आपके डैंड्रफ का उपाय। तो आपको यहाँ पे लगभग 1/2 टेबल स्पून कपूर लेना है, और उसे हाथ से ही ऐसे मसल लेना है। और इसके बाद आप कोई भी ऑयल ले सकते हो। वैसे तो मैं विंटर्स में जैतून का तेल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ये हमारे बालों पे बहुत अच्छे से टिका रहता है। आप चाहें तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। तो इसमें लगभग जितना आपके बालों में लगे वो डालिए, और ये आपका डैंड्रफ भी ऑयल रेडी हो जाएगा। और इसे आप 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं अगर आपको कहीं जाना है, या फिर आप 1 नाइट भी रख सकते हैं। तो इसे लगाने का भी मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई है तो आप उससे अपनी बहुत अच्छे से डीप मालिश करवा लीजिए, और अगर आपके पास कोई नहीं है तो कैसे आप अपने आप खुद अपने बालों की बहुत अच्छे से हैवी ऑयलिंग कर सकते हैं, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैंने हेयर वॉश किए हैं और कितने शाइन कर रहे हैं, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि विंटर वाली प्रॉब्लम आ रही है, जो आप स्वेटर पहनने के बाद एक किस किस की आवाज़ आती है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, बहुत ही मैनेजेबल बाल हैं, और ये देखिए मेरे बालों के एंड्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको लगाने का तरीका बताती हूँ इस तेल को। यहाँ पे भी मैं एक कॉटन का यूज़ करूँगी, कॉटन की हेल्प से आप बहुत अच्छे से हैवी ऑयलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी फ्रेंड की मांग निकालिए, और इस जो आपने पेस्ट बनाया है, मीन्स ऑयल और कपूर का, उसे इसी कॉटन की हेल्प से मिक्स कर लीजिए। फिर आप बहुत अच्छे से अपने रूट्स पे सॉइल को लगाइए। फ्रेंड्स, क्या होता है कि ठंड में हमारे स्कैल्प जो है वो भी बहुत ड्राई हो जाती है, और वहाँ से हमारी स्किन निकलने लगती है, और मेन वही ही रूसी का कारण बनती है, वही रूसी ही होती है। तो आप पॉइंटर ब्रश की, पॉइंटर कॉम की हेल्प से अपने हेयर को एक एक सेक्शन में बांटते चलिए, और ऑयल लगाते चलिए। इससे आपके बालों की बहुत अच्छी हैवी ऑयलिंग हो जाएगी। और जब ऑयल लगा लीजिए तो उसके बाद आपको मसाज करनी है अपने हेयर्स की, लगभग 5 से 10 मिनट।
इससे आपके हेयर्स का ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होगा। और फ्रेंड्स, आप हो सके तो हफ्ते में दो बार जरूर अपने बालों पे हैवी ऑयलिंग करिए। इससे आपके बाल मजबूत भी होंगे, शाइन भी रहेंगे और ठंड में मैनेजेबल भी रहेंगे। बहुत लोगों के साथ होता है कि ठंड में उनके बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं, तो वहाँ यहाँ ये प्रॉब्लम भी दूर होगी। अब आपको अपने बैक के बालों में सेम यही प्रोसेस अपनाना है। बालों को डिवाइड करते हुए इस ऑयल को लगाइए। फिर आप अपने बालों को सेक्शन कीजिए और साइड पार्ट से लगाइए, यानी पहले आपने फ्रंट में लगाया था, आप साइड पार्ट से अपने हेयर्स में लगाइए। इस तरह पूरे हेयर्स की आपकी डीप ऑयलिंग हो जाएगी। अब आप अपने हेयर्स के नीचे भी बहुत अच्छे से ऑयल लगाइए। ये देखिए, मैंने उतना ही ऑयल लिया था जितना मुझे पता है कि कितना मेरा बालों में लगता है। और बहुत अच्छे से मसाज करिए अपने फिंगर्स की हेल्प से, और मुझे मसाज करवाना बहुत ही अच्छा लगता है। लगभग 5 to 10 मिनट आप बहुत अच्छे से अपने बालों की मालिश करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको किस कंटेंट का वीडियो अच्छा लगता है, तो मैं आगे भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसी कंटेंट का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और इस बार मुझे थोड़ा लेट हो गया है वीडियो लाने में, तो उसके लिए सॉरी। और इसके बाद आप अपने हेयर्स को बिल्कुल भी कॉम्बिंग नहीं करेंगे, हाफ आर ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपने बालों को कॉम्बिंग करिए। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।